प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्ष पर आकरा प्रहार। विपक्ष आज जूना विचारों पर चाले छे। पीएम नु आ कहेवू विपक्ष कई नहीं करे अने बीजा ने कई करवा पण नहीं दे। भविष्य ने ध्यान राखी संसद ने आधुनिक इमारत बनावी। विपक्ष ने आ नवी संसद थी पण वांधो पड्यो। संसद ना नवा बिल्डिंग नो पण विपक्षे विरोध कर्यो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर दरेक देशवासियों ने गौरव छे। केटलाक राजकीय पक्षों नो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी थी पण वांधो छे। चूंटणी टाणे ज एमने सरदार पटेले याद आवे छे। अमे सकारात्मक रीते राजनीति ने आगळ वधारवानो संकल्प कर्यो छे। अमे भेदभाव वगर दरेक राज्यना विकासमां लाग्या छे। कया राज्यमां कोनी सरकार छे एनो अमे भेदभाव नथी करता। विपक्ष ने विरोध सिवाय कई नहीं आवड़तु। बदलाता भारत की आ नवी तस्वीर विकास नो अवसर आपे छे। दरेक बुराई माटे आज देश कहे छे क्विट इंडिया। देश कहे छे भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। देश कहे छे परिवारवाद इंडिया छोड़ो। नौ अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो। संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने, इस धड़े ने, विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। लेकिन साथियों, हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं।